बिहार क्राउन जीके का ये क्लास है। अब तक हमने मौर्य एम्पायर शुरू किया था और मौर्य एम्पायर में हमने मौर्य काल के शासक जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अशोक के कुछ उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने मौर्य काल के प्रशासन के बारे में पढ़ा था, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस वीडियो में हमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी और मौर्यकालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, स्टेट अपॉइंटेड 27 सुपरिटेंडेंट्स यानी कि अध्यक्ष। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो राज्य था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमने हमने जिसे कहा, जहाँ से राजा जो था वो शासक शासन करता था, वहाँ जो था वो 27 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। किस लिए उनकी नियुक्ति की गई थी? तो प्रिंसिपली टू रेगुलेट इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है राज्य के, उन्हें देखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए 27 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। ये किसके संदर्भ से हमें पता चला है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, दे कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, वेट्स एंड मेजर्स, क्राफ्ट्स एंड अदर सच थिंग। तो उनका क्या काम था जो भी ये 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो राज्य में जो भी कृषि से संबंधित चीज़ें हैं, व्यापार और वाणिज्य से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, वेट्स एंड मेजर्स यानी कि माप तोल से जो भी जुड़ी चीज़ें हैं, क्राफ्ट्स यानी कि शिल्प से जो भी चीज़ें हैं, इन सब की देखभाल करना, इन सब के का सबका सबको कंट्रोल करना, ये 27 अध्यक्षों का काम होता था। अब उन 27 अध्यक्षों का नाम दिया गया है और उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या कार्य था मौर्य काल में अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो दिया गया है वो है कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष कौन थे? सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेजरी यानी कि राज्य का जो भी कोष था, जो भी धनालय था, उसका जो अध्यक्ष होता था उसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। लौहाध्यक्ष कहा जाता था सुपरिटेंडेंट ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं का जो अध्यक्ष होता था, धातु जो भी राज्य में होते थे उसकी देखभाल करना, उसको नियंत्रण में रखना जिसका काम था, वो थे लौहाध्यक्ष। अकाराध्यक्ष थे कंट्रोलर ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी यानी कि खनन विभाग से जुड़ी या धातु कर्म से जो भी जुड़ी चीज़ें हैं उनका जो नियंत्रण करता था वो अकाराध्यक्ष होते थे। लवणाध्यक्ष कौन हुए? तो साल्ट कमिश्नर, नमक आयुक्त को लवणाध्यक्ष कहा जाता था मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में। लवणाध्यक्ष, साल्ट कमिश्नर यानी कि नमक से जुड़े आयुक्त को नमक आयुक्त कहा जाता था लवणाध्यक्ष को। लक्षणाध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो ऑफिसर ऑफ द मिंट यानी कि मिंट के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा गया। कोषागाराध्यक्ष किसे कहा गया? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ वेयर हाउसेस, कोषागाराध्यक्ष कहा गया। वेयर हाउसेस यानी कि गोदामों के जो भी अध्यक्ष होते थे उन्हें कोषागाराध्यक्ष कहा गया। सुवर्णाध्यक्ष किसे कहा गया? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स यानी कि प्रीशियस मेटल्स जो भी बेशकीमती धातु हैं या जो भी ज्वेलरी से संबंधित चीज़ें हैं उनकी जो निगरानी करता था उसे सुवर्णाध्यक्ष कहा गया। पानाध्यक्ष किसे कहा गया? तो पानाध्यक्ष कहा गया हेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य का जो प्रमुख था उसे पानाध्यक्ष कहा गया। अयुद्धगाराध्यक्ष किसे कहा गया? तो कमांडर ऑफ ऑर्डनेंस, कमांडर ऑफ ऑर्डनेंस यानी कि जो भी तोपखाना था उसका जो कमांडर था, उसका जो निगरानी करता था उसे अयुद्धगाराध्यक्ष कहा गया। कूपयाध्यक्ष कहा गया है मैनेजर ऑफ अ फॉरेस्ट यानी कि राज्य के वन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसकी देखभाल जो करेगा उसे कूपयाध्यक्ष का नाम दिया गया था। मानाध्यक्ष कहा गया है सर्वेयर एंड टाइम कीपर, सर्वेयर यानी कि सर्वेक्षणकर्ता और टाइम कीपर को मानाध्यक्ष कहा गया है। पोतवाध्यक्ष कहा गया है कंट्रोलर ऑफ वेट एंड मेजर्स, माप तोल से संबंधित चीज़ों की जो नियंत्रण करता था उसे पोतवाध्यक्ष कहा गया। शुल्काध्यक्ष कहा गया कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड ऑक्ट्रॉय यानी कि जो भी कर और शुल्क और चुंगी से संबंधित चीज़ों को जो नियंत्रण करता था उसे शुल्काध्यक्ष कहा गया। सूत्राध्यक्ष कहा गया टेक्सटाइल कमिश्नर को यानी कि कपड़ा आयुक्त को सूत्राध्यक्ष कहा गया। सीताध्यक्ष किसे कहा गया? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ क्राउन लैंड्स यानी कि क्राउन लैंड किसे कहा गया? तो राजा के पास कुछ भूमि होती थी उसे क्राउन लैंड कहा गया।
तो क्राउन लैंड का जो भी अध्यक्ष था उसकी निगरानी जो करता था उसे सीता अध्यक्ष कहा गया। सूनाध्यक्ष किसे कहा गया? तो कंट्रोलर ऑफ एनिमल स्लॉटर, यानी कि जो भी पशु हत्या होती है उसको नियंत्रण करने वाला जो अध्यक्ष बनाया गया उसे सूनाध्यक्ष का नाम दिया गया। सूराध्यक्ष किसे कहा गया? तो हेड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेज, यानी कि अल्कोहलिक पेय पदार्थ जो होते हैं उसके जो प्रमुख बनाया गया वो सूराध्यक्ष कहा गया। नौवाध्यक्ष किसे कहा गया? तो कंट्रोलर ऑफ शिपिंग, यानी कि शिपिंग से जुड़ी चीज़ों को जो नियंत्रण में रखता था उसे नौवाध्यक्ष कहा गया। अक्ष पतालाध्यक्ष, तो अक्ष पतालाध्यक्ष किसे कहा गया? कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स से संबंधित चीज़ों की जो नियंत्रण करता था उसे अक्ष पतालाध्यक्ष कहा गया। बंधनगाराध्यक्ष किसे कहा गया? तो इंचार्ज ऑफ जेल डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होता था उसे बंधनगाराध्यक्ष का नाम दिया गया। द्यूताध्यक्ष किसे कहा गया? तो कंट्रोलर ऑफ गैम्बलिंग, यानी कि जुआ खेलने से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते थे राज्य में उसकी निगरानी करने के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया उसे द्यूताध्यक्ष का नाम दिया गया। विविधाध्यक्ष किसे कहा गया? तो हेड ऑफ पैस्चर लैंड्स, जो भी पशुओं के चारागाह के लिए जो भूमि थी उसका जो प्रमुख बनाया गया उसे विविधाध्यक्ष कहा गया। माद्राध्यक्ष किसे कहा गया? तो पासपोर्ट ऑफिसर को, पासपोर्ट अधिकारी को माद्राध्यक्ष कहा गया। पताना अध्यक्ष किसे कहा गया? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, जो भी पोर्ट्स एंड हार्बर बंदरगाह हैं जो भी उसके नियंत्रण को अब जो उसको जो अपने नियंत्रण में रखता था उसे पताना अध्यक्ष कहा गया। गणिकाध्यक्ष किसे कहा गया? तो कंट्रोलर ऑफ इंटरटेनर्स, जो भी इंटरटेनर्स थे राज्य के उनको जो नियंत्रण करता था उसे गणिकाध्यक्ष कहा गया। समस्थाध्यक्ष किसे कहा गया? तो समस्थाध्यक्ष कहा गया कंट्रोलर ऑफ अ प्राइवेट ट्रेड, यानी कि प्राइवेट ट्रेड जो भी राज्य में होते थे, निजी व्यापार होते थे, उनका जो नियंत्रण करता था उसे समस्थाध्यक्ष कहा गया। अश्वाध्यक्ष किसे कहा गया? तो कंट्रोलर ऑफ कैवलरी, घुड़सवारी सेना जो होती थी राज्य में उसका जो नियंत्रण करता था, उसकी जो निगरानी करता था उसे अश्वाध्यक्ष कहा गया। तो ये कुछ 27 बनाए गए थे अध्यक्ष या सुपरिटेंडेंट मौर्य काल में अर्थव्यवस्था को देखने के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए, और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा दिया गया है। द किंग हैड सम ऑन लैंड्स कॉल्ड क्राउन लैंड्स, राजा के पास कुछ अपनी भूमि होती थी जिसे कि क्राउन लैंड कहा जाता था या उसे सीता कहा जाता था। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट वॉज लैंड रेवेन्यू, मुख्य जो स्रोत था इनकम का राज्य के लिए वो क्या था? भूमि कर था। भूमि से जो भी कर कलेक्ट किए जाते थे ये राज्य का मुख्य इनकम का स्रोत था, मुख्य आय का स्रोत जो था वो लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि कर था। विच रेंज फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जो भी उत्पादन होता है उसका 1/4 या 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में देना होता था, और ये भूमि कर के लिए ये पैमाना तय किया गया था 1/4 और 1/6। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कई बार कि मौर्य काल में भूमि कर कितना लिया जाता था, तो ये ऑप्शन में आपको 1/4 या 1/6 दोनों में से कोई दिया रहता है, तो उससे इसे आपको याद करना चाहिए कि इनकम जो होता था सबसे ज़्यादा वो लैंड रेवेन्यू से होता था, और लैंड रेवेन्यू कितना फिक्स किया गया था, तो 1/4 और 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र द टाइप ऑफ इरीगेशन प्रोवाइडेड द रेंज ऑफ टैक्स ऑन वाटर फ्रॉम 1/5 to 1/3। अर्थशास्त्र के अनुसार यानी कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई है उसके अनुसार जिस प्रकार की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती थी जिस जगह पे उसके अनुसार उस जगह से टैक्स लिया जाता था, वाटर टैक्स यानी कि जल से संबंधित टैक्स लिया जाता था उस जगह से जहाँ जिस जगह पे जैसी सिंचाई की व्यवस्था है, कहीं कहीं 1/5 तो कहीं कहीं 1/3, ये किस आधार पर लिया जाता था? तो जैसी सिंचाई की व्यवस्था है उसी अनुसार लिया जाता था। द प्रिसाइज रेफरेंस टू टैक्सेशन इज फाउंड इन रुमिनी द इंस्क्रिप्शन विच आस्क्स द पीपुल ऑफ लुम्बिनी टू पे ओनली 1/8 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस,
तो टैक्सेशन के बारे में कर से संबंधित जो सटीक संदर्भ हम देखने को मिलता है मौर्य काल का, वो रुमिनी दई अभिलेख जो है, रुमिनी दई इंस्क्रिप्शन, यहाँ से पाया गया है। इसमें क्या कहा गया है रुमिनी दई अभिलेख में कि जो लुम्बिनी के लोग हैं, वो लुम्बिनी क्या है, तो जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बर्थ प्लेस ऑफ ये बुद्धा है लुम्बिनी। और लुम्बिनी के लोगों के लिए और जगह तो कितना टैक्स जो फिक्स किया गया था, 1/4 या 1/6, लेकिन लुम्बिनी के लोगों के लिए जो टैक्स फिक्स किया गया था वो 1/8 शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन के 1/8 भाग जो था वो देना था कर के रूप में। तो थोड़ी सी छूट मिली हुई थी गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के लोगों के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ विलेजेस हैव बीन मेंशन्ड, कुछ अलग अलग तरह के गाँवों के बारे में भी अर्थशास्त्र में दिया गया है। परिहार का कैसे गांव थे, तो विलेजेस दैट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, वैसे गांव जिन गांवों को कर से मुक्त किया गया था, यानी कि उन गांवों से कर नहीं लिया जाता था, उन गांवों को परिहार का कहा गया। अयोध्या किस गांव को कहा गया, तो विलेजेस दैट सप्लाइड सोल्डर्स, अयोध्या वैसे गांवों को कहा गया जिस गांव से बहुत ज़्यादा सैनिक आते थे, जिन गांव से राज्य में सैनिक आते थे। कुपया किसे कहा गया, तो विलेजेस दैट पेड देयर टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, कैटल, गोल्ड और रॉ मटेरियल। कुपया वैसे गांवों को कहा गया जो कि अपने कर को किस रूप में देते थे, तो अनाज के रूप में, अपने कुछ गहने देकर, कुछ कच्चे माल देकर, या अपने पशुओं को ही कर के रूप में वो दे देते थे। तो ऐसे गांवों को कुपया का नाम दिया गया। जनरली कैश जो है, जनरली जो टैक्स है वो कैश में दिया जाता है, लेकिन कुपया जो है वो ऐसे गांव का समूह था जो टैक्स कैसे देते थे, तो अनाज के रूप में, अपने पशुओं को ही दे देते थे, गोल्ड दे देते थे, या कुछ रॉ मटेरियल्स भी वो कर के रूप में देते थे। एन इम्पॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफ द मौर्य पीरियड वॉज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास हम देखते हैं मौर्य काल का, इम्पोर्टेंट सोशल डेवलपमेंट मौर्य पीरियड का, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव्स, यानी कि गुलामों को काम पे लगाया गया था एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में, कृषि से संबंधित कार्यों में जो भी राज्य के गुलाम होते थे उन्हें भी लगाया गया। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक विकास था मौर्यकालीन समय का, मौर्य पीरियड का। पुष्यगुप्त, वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ चंद्रगुप्त, बिल्ट ए डैम कॉल्ड सुदर्शन लेक। तो पुष्यगुप्त कौन था, तो गवर्नर था ये चंद्रगुप्त का, इसने एक बांध का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या दिया गया, उसे सुदर्शन लेक या सुदर्शन झील कहा जाता है, अक्रॉस अ रिवर नियर गिरनार इन सौराष्ट्र। तो एक नदी है गिरनार में सौराष्ट्र के पास, तो वहाँ पे एक झील का निर्माण किया गया सुदर्शन झील का। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो पुष्यगुप्त के द्वारा। पुष्यगुप्त कौन था, तो वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का जो भी गवर्नर थे चंद्रगुप्त थे, उनमें से एक गवर्नर पुष्यगुप्त था, और पुष्यगुप्त के द्वारा ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था सौराष्ट्र में। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द ट्रेड रूट्स आर टू बी इस्टेब्लिश्ड एज अ वे ऑफ प्रॉफिट, इम्पॉर्टेंट इंटरनल ट्रेड रूट्स वेयर, यानी कि कौटिल्य के अनुसार जो ट्रेड रूट्स, यानी कि व्यापार करने के लिए जो भी रूट्स बनाए गए थे, तो उन्हें एक फ़ायदे की तरह बनाया गया था। कोई भी व्यापार करने के रूट्स हैं तो वो फायदे के लिए ही होते हैं, तो ऐसे ट्रेड रूट्स को क्या कहा गया था, वानिक पथ के नाम से जाना जाता था। वाणिज्य पथ ट्रेड रूट्स को कहा गया, जो व्यापार करने के जो भी रास्ते थे उन्हें वाणिज्य पथ कहा गया। इम्पोर्टेंट इंटरनल ट्रेड रूट्स कौन कौन से थे, तो कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक व्यापार के कुछ रूट्स दिए गए हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट रूट। तो साउथ वेस्ट रूट यानी कि दक्षिण पश्चिम रूट, ये कहाँ से कहाँ तक था, तो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक ये रूट था, वो साउथ वेस्ट रूट के नाम से जाना गया। दूसरा है साउथ ईस्ट रूट, ये कहाँ से कहाँ तक था, तो श्रावस्ती से लेकर राजगृह तक दक्षिण पूर्व रूट जो था, साउथ ईस्ट रूट, ये श्रावस्ती से लेकर राजगृह तक था। ईस्ट वेस्ट रूट ये कहाँ से कहाँ तक था, तो तक्षशिला टू पाटलिपुत्र, तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक जो रूट था उसे ईस्ट वेस्ट रूट का नाम दिया गया, पूर्व पश्चिम रूट का नाम दिया गया। फॉलोइंग द रिवर कोर्स ऑफ द गंगा, यानी यमुना, जो गंगा और यमुना का नदी क्षेत्र है उसी से होते हुए ये रूट गुजरता था, तक
तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक। हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट वॉज द रॉयल हाईवे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू पाटलिपुत्र। तो लेकिन इस इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण रूट कौन सा था, तो रॉयल हाईवे था, राजशाही हाईवे। वो कहाँ से कहाँ तक था, तो नॉर्थ वेस्ट टू पाटलिपुत्र, तक्षशिला के क्षेत्र से लेकर पाटलिपुत्र तक का जो रूट था वो सबसे महत्वपूर्ण रूट था। इट हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट थ्रू द सेंचुरीज, बीइंग पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ट्रंक रूट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूट की तरह, ये जो रूट था ये बहुत महत्वपूर्ण रूट था, जिससे कि पॉपुलरली, जिसे कि सामान्य तौर पर ग्रैंड ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड वाज कैरिड विथ फॉरेन कंट्रीज, पार्टिकुलरली विथ हेलेनिक वर्ल्ड एंड वर्मा। एक्सटर्नल ट्रेड वाज कैरिड विथ फॉरेन कंट्रीज, तो यानी कि कुछ एक्सटर्नल व्यापार भी किए जाते थे विदेशों से। वो किससे किए जाते थे, तो पार्टिकुलरली विथ हेलेनिक वर्ल्ड, यानी कि ग्रीक। हेलेनिक किसे कहा गया है, तो ग्रीक को, यूनान देश को कहा गया है ग्रीक, और ग्रीक से और बर्मा से जो है मौर्य काल में विदेशी व्यापार होता था। तामलुक ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड ब्रोच एंड सुपारा ऑन द वेस्ट कोस्ट वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ इंडिया इन दोज टाइम्स। तो तामलुक ईस्ट कोस्ट पे, तामलुक को क्या कहा जाता है, ताम्रलिप्ति भी कहा जाता है। तो पूर्वी तट पर हम देखें तो ताम्रलिप्ति या तामलुक सी पोर्ट था, समुद्री बंदरगाह था। और वेस्ट कोस्ट पर हम देखें, पश्चिमी तट पर, तो ब्रोच और सुपारा नामक जो समुद्री बंदरगाह था ये स्थित था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह थे उस समय के। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ईस्ट कोस्ट पे कौन सा पोर्ट था मौर्य काल में, वेस्ट कोस्ट पे कौन सा था। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ताम्रलिप्ति या तामलुक कहा जाता है इसे, तो ये पूर्वी तट पर था, और ब्रोच और सोपारा ये वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट पर था। द 18 चीफ हैंडीक्राफ्ट सच एज ज्वेलरी, वुडवर्क, मेटल वर्क एटसेट्रा वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड्स कॉल्ड श्रेणीज, ईच अंडर इट्स प्रेसिडेंट काल प्रमुख एंड द एल्डरमैन काल जेठ का। तो 18 तरह के मुख्य हस्तशिल्प, जैसे कि ज्वेलरी से जुड़ा हुआ हो गया, वुडवर्क यानी कि लकड़ी के कामों से जुड़ा हुआ, मेटल वर्क धातुओं के कामों से जुड़ा हुआ, तो ये इनको सहकारी समितियों में ऑर्गेनाइज किया गया था, सहकारी समितियों में संगठित किया गया था जिसे श्रेणीज का नाम दिया गया था। तो 18 तरह के मुख्य हस्तशिल्प थे, और जिसमें क्या क्या आता था, तो ज्वेलरी आता था, लकड़ी से संबंधित कार्य, धातु से संबंधित कार्य, और इन्हें किस चीज़ में संगठित किया गया था, तो गिल्ड्स में यानी कि सहकारी समितियों में इन्हें संगठित किया गया था, और इन्हें श्रेणीज कहा जाता था। ईच अंडर इट्स प्रेसिडेंट कार्ड प्रमुख, और प्रत्येक एक अध्यक्ष के अंदर होता था जिसे कि प्रमुख कहा गया, एंड द एल्डरमैन कार्ड जेठ का, यानी कि प्रमुख और जेठका के अंतर्गत ये श्रेणी जो होते थे ये निगरानी की जाती थी। द गिल्ड्स हैड टू एम्प्लॉय हायर्ड लेबरर्स, यानी कि गिल्ड्स का क्या काम क्या होता था कि जो लेबर्स हैं इनको हायर करना, हायर किए गए लेबर्स को काम दिलाना। सच इंडस्ट्रियल लेबर इंक्लूडेड फ्री लेबरर्स वर्किंग फॉर अ रेगुलर वेज एंड द दासास हू वेयर स्लीव्स। तो इसमें कुछ औद्योगिक लेबर्स में कौन कौन से लेबर्स आते हैं, कौन कौन से मजदूर आते हैं, तो फ्री लेबरर्स यानी कि फ्री में काम करने वाले मजदूर, जिन्हें कर्महारा या भृतकाज कहा जाता था। तो कर्महारा या भृतकाज ये फ्री लेबरर होते थे, फ्री में मजदूरी ये करते थे, जो कि वर्किंग फॉर अ रेगुलर वेज, यानी कि क्या होता है कि अक्सर आपको काम करने के लिए मंथली पेमेंट मिलता है, लेकिन ये जो लेबर्स थे ये रेगुलर वेज पर काम करते थे, डेली इनको काम दिया जाता था। एंड द दासज, और दासों को भी इसमें नियुक्त किया जाता था, जो कि दास किससे कहा जाता है, तो गुलामों को भी इन कामों में हायर किया जाता था। अशोका रेफर्स टू बोथ द कैटेगरीज ऑफ लेबरर्स द भातकज एंड दासाज इन हिज एडिक्स। तो अशोक के अभिलेख में इन दोनों तरह के मजदूरों का वर्णन किया गया है, भातकज और दासाज। तो अशोक के अभिलेख में भातकज और दास इन दोनों तरह के मजदूरों का वर्णन दिया गया है। और मौर्यकालीन करेंसीज के बारे में दिया गया है, तो कर्स पान या पान किसे कहा जाता था मौर्य काल में, तो सिल्वर क्वाइन को, चांदी के सिक्के को कर्स पान या पान नाम दिया गया। मास्क
नाम किसे दिया गया? तो कॉपर क्वाइंस को, तांबे के सिक्के को मास्क का नाम दिया गया। निक्ष किसे कहा गया? तो निक्ष कहा गया गोल्ड क्वाइंस को, जो स्वर्ण के सिक्के होते थे, सोने के सिक्कों को निक्ष का नाम दिया गया। टैक्सेस वर फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन लोकल गुड्स, यानी कि लोकल गुड्स जो भी स्थानीय सामान होते थे, जो भी स्थानीय वस्तु होते थे, उन पे 5% का टैक्स फिक्स रखा गया था, एंड 10% ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि जो आयातित किए हुए जो वस्तुएं आती थी उन पे 10% का टैक्स लिया जाता था, और जो स्थानीय वस्तुएं या सामान होते थे उन पर 5% का टैक्स फिक्स किया हुआ था। सीवियर पनिशमेंट्स वेर अवार्डेड ऑन टैक्स इवेशन, और टैक्स की चोरी करने पर, कर की चोरी करने पर काफ़ी कठिन पनिशमेंट्स भी दिए जाते थे, कठोर सजा का भी प्रावधान रखा गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी लेंडिंग फॉर यूजरी वाज 15-60%, यानी कि यूजरी यानी कि सूदखोरी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया था, अगर सूद लेते हैं अगर आप किसी पर, तो उस पर ब्याज का दर कितना रखा गया था? तो 15% से 60% तक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी लेंडिंग, यानी कि अगर आप मनी लेते हैं सूद के तरह किसी से पैसा लेते हैं, तो उस पर ब्याज का दर आपको 15% से लेकर 60% तक देना होता था। स्टेट गुड्स वेयर टू बी सोल्ड बाई स्टेट सर्वेंट्स, बट द असिस्टेंस ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वॉज ऑल्सो टेकन। तो जो भी स्टेट गुड्स होते थे, जो भी राज्य के सामान होते थे, जिन्हें राजपाण्य कहा गया, तो ये स्टेट के सर्वेंट जो भी राज्य से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते थे, या राज्य के जुड़े भी जो भी नौकर बोल सकते हैं वो होते थे, तो उनके द्वारा ये सामान को बेचा जाता था। लेकिन जो भी प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे, जो भी निजी व्यापारी होते थे, उनका भी साथ लिया जाता था, उनकी भी सहायता ली जाती थी इन सामानों को बेचने के लिए। अब कुछ टैक्सेस दिए गए हैं, और वो टैक्स कहाँ से कलेक्ट किए जाते थे, उनके स्रोत के बारे में दिया गया है। तो पिंडकारा ये कैसा टैक्स था? तो टैक्स पेड इन अ काइंड बाय अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि गांवों के समूह द्वारा जो टैक्स पे किया जाता था उसे पिंडकारा टैक्स कहा गया। भाग किसे कहा गया? तो लैंड टैक्स को कहा गया। भूमि से जुड़े टैक्स को, भूमि से जुड़े कर को भाग कहा गया। प्रक्रिया किसे कहा गया? तो रॉयल्टी, यानी कि राजसी स्रोत से जो भी कर आएंगे उसे प्रक्रिया का नाम दिया गया। सेना भक्त कर कैसा था? तो सप्लाई प्रोविजन टू रॉयल आर्मी बाय विलेजेस पासिंग थ्रू देयर एरिया, यानी कि उस समय क्या प्रावधान रखा गया था कि अगर कहीं भी युद्ध होता है और राज्य की सैनिक किसी गांव से होकर गुजर रही है, तो उस गांव में अगर सैनिक रुक गई है तो उन्हें उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी जो भी व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए उस गांव को ही पूरा व्यवस्था करना पड़ता था। और इसी टैक्स को, इस ये एक तरह से टैक्स का रूप भी हो गया कि आप सेना सेना की पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं, इस वजह से इस टैक्स का नाम दिया गया सेना भक्त। हिरन ने टैक्स किया था, तो टैक्स पेड इन कैश, जो भी टैक्स कैश के रूप में दिए जाते थे, जो भी कर टैक्स के रूप में दिया जाता था, उसे हिरन ने कहा गया। प्रणय किसे कहा गया? तो प्रणय ये गिफ्ट ऑफ अफेक्शन, स्नेह का एक उपहार जो था, इसे प्रणय किया। स्नेह से अगर आप कोई उपहार देते हैं प्रेम से, तो उसे प्रणय का नाम दिया गया। कारा कर कैसा था? तो कारा टैक्स था, टैक्स इन कैश, ये भी टैक्स जो कैश के रूप में दिया जाता था उसे कारा का नाम दिया गया। परश्वम किसे कहा गया? तो परश्वम कहा गया सर चार्जेज को, अधिभार जिसे कहा जाता है, तो इसे परश्वम का नाम दिया गया। मोनोपोली टैक्स यानी कि एकाधिकार कर किसे कहा गया? तो परिघ को, मोनोपोली टैक्स यानी कि परिघ को एकाधिकार कर का नाम दिया गया। प्रवेश कर किसे कहा गया? तो इम्पोर्ट टैक्स, जो भी आयात किए गए वस्तुओं पर जो टैक्स देना पड़ता था उसे प्रवेश से कहा गया। वर्तनी किसे कहा गया? तो रोड सेस को, सड़क उपकर को वर्तनी का नाम दिया गया। प्रतिकार किसे कहा गया? तो टैक्सेस इन लैंड, भूमि पर जो टैक्स दिए जाते थे उसे प्रतिकार कहा गया। शुल्क किसे कहा गया? तो कस्टम ड्यूटी को शुल्क कहा गया। अब आता है सोसाइटी एंड रिलीजन, यानी कि धर्म और सामाजिक स्थिति मौर्य काल में कैसी थी, इसके बारे में आगे टॉपिक है। तो इन द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर
इन द एरियाज वेर सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ केम टू बी एस्टेब्लिश सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन वर्ल्ड. तो वैसे क्षेत्र जहाँ पे एग्रीकल्चर लाइफ थी, जहाँ पे कृषि से जुड़े हुए लोग थे, तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक संगठन थी, तो वो वर्णों पर आधारित थी. द ट्रेडिशनल वर्नर्स बिकेम इंडोगैमस. तो ये जो ट्रेडिशनल वर्ण थे, ये जो पारंपरिक वर्ण थे, इनमें अंतर्विवाही की व्यवस्था थी, अंतर्विवाह व्यवस्था थी. तब मेगास्थनीज रेफर्स टू सेवन कास्टेस. मेगास्थनीज के द्वारा सात तरह की जातियों का वर्णन किया गया है मौर्य काल में. कौन कौन से जातियों का वर्णन किया गया साथ में, तो फिलोसफर्स यानी कि दार्शनिक, फार्मर्स यानी कि किसान, सोल्जर्स यानी कि सैनिक, हर्ट्समैन यानी कि पशुपालक या चरवाहा, आर्टिसंस यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं कलाकार, कलाकारी से संबंधित कलाकार, मजिस्ट्रेट्स और कौंसिलियर्स यानी कि पार्षद. तो ये सात तरह के कास्ट के बारे में मेगास्थनीज ने बताया है. कौटिल्य रेफर्स टू एज मैनी एज 15 मिक्स्ड कास्टेज बाय द जनरल नेम अंत्यवसायी. तो कौटिल्य के द्वारा 15 तरह के मिक्स्ड कास्ट के बारे में बताया गया, मिक्स्ड जाति के, मिश्रित जाति के बारे में बताया गया है, और उनको एक सामान्य नाम, एक जनरल नेम दिया गया. क्या नाम दिया गया, तो अंत्यवसायी. तो अंत्यवसायी क्या है, लिविंग एट द एंड, जो अंत जगह पे जो रह रहे हैं, जो अंतिम स्थान पर रह रहे हैं, उन्हें अंतवासाइन. ये 15 तरह के मिश्रित जातियों का एक समूह का नाम दिया गया था अंतवासाइन. और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो कौटिल्य के द्वारा दिया गया था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न पीरियड ए सेक्शन ऑफ शूद्र वेयर प्रोवाइडेड लैंड इन द न्यूली कॉलोनाइज एरियाज. तो पहली बार मौर्य काल में शूद्रों के एक समूह को, शूद्रों के एक छोटे से सेक्शन को लैंड प्रोवाइड किया गया था, जमीन दी गई थी न्यूली कॉलोनाइज, जो नए नए जो क्षेत्र औपनिवेशिक जो क्षेत्र बने थे उसमें उन्हें शूद्रों को जमीन दी गई थी. फोर्स लेबर वॉज इम्पोज ऑन देम. तो ये जो शूद्रों को जो जमीन दी जा रही थी, इनसे फोर्स लेबर भी कराया जाता था, फोर्स लेबर को विस्ती भी कहा जाता था. अ क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स नोन एज विशिष्ट वंधकाज वर्कड एज इट्स प्रोक्यूरर. तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि राज्य के कुछ ऐसे कार्यकर्ता बनाए गए थे, कुछ ऐसे सर्वेंट्स बनाए गए थे जिन्हें विशिष्ट वंधकाज कहा जाता है, जिसमें कि कौटिल्य के द्वारा ये पहली बार मेंशन किया गया है विशिष्ट वंधकाज के बारे में. तो ये क्या करते थे, वर्क एडिट एज इट्स प्रोक्यूरर, यानी कि वो उनको ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि वो उन्हें खरीद कर लाए हैं शूद्रों को, और उन्हें फोर्स लेबर करवाया जाता था. इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस मेंबर्स ऑफ हायर वर्नर्स कुड आल्सो बी मोर टैक्स्ड. कौटिल्य रेफर्स टू देम एज अहितकार. तो कभी कभी कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाती थी, कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियों में मेंबर्स ऑफ हायर वर्ण, जो हायर जो ऊंचे वर्ण के जो सदस्य हैं, कुड आल्सो बी मोर टैक्स्ड, यानी कि उनको भी गिरवी रखा जा सकता था. कौटिल्य रेफर्स टू देम एज अहितकार. तो कौटिल्य ऐसे लोगों को अहितकाज का नाम दिया है, गिरवी रखना यानी कि उन्हें एक तरह से बेच देना गुलाम की तरह, और फिर उनसे मजदूरी करवाया जाता था. मेगास्थनीज मेंशन शिव एज डियोनसस, यानी कि शिव भगवान को मेगास्थनीज के द्वारा डियोनसस का नाम दिया गया है, और कृष्णा को क्या नाम दिया गया है, तो हेरेकल्स का नाम दिया गया है. शिव को डियोनसस और कृष्ण को हेरेकल्स का नाम किसके द्वारा दिया गया, तो मेगास्थनीज के द्वारा दिया गया है. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के अनुसार गिफ्ट का यानी कि उपहार कहा जाता था, स्पेशली ऑफ फ्लावर्स एंड इंसेंस, यानी कि उपहार दिए जाते थे किसका, तो फूलों का और इंसेंस का, यानी कि फूल और धूप का उपहार, जिसे क्या कहा गया, पुष्पचूर्णोपहार. यह किसके सामने समर्पित किया जाता था, वेयर ऑफर्ड टू दीज गॉड्स, यानी कि इन देवताओं को समर्पित किया जाता था बिफोर वर्शिपिंग देम, उनकी पूजा करने से पहले इन देवताओं को, जो कि शिव और कृष्ण के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा है, तो इन देवताओं को पुष्पचूर्णोपहार समर्पित किया जाता था. यह क्या होता था, तो ये उपहार होता था फूलों का और धूप का. अशोकन इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू जैनस एज निर्ग्रंथ, यानी कि दोज हु हैव ब्रोकन वर्ल्डली टाइज. तो अशोक के अभिलेख में जैन को क्या कहा गया है, तो निर्ग्रंथ कहा गया है.
यानी कि वैसे लोगों को निर्ग्रंथ कहा गया है कि वैसे लोग जिन्होंने वर्ल्डली टाइप से अपना नाता तोड़ दिया है, जिन्होंने इस संसार के बंधन से अपना नाता तोड़ लिया है, वैसे लोगों को निर्ग्रंथ कहा गया है। और निर्ग्रंथ अशोक के अभिलेख में किसे कहा गया है? जैन धर्म के लोगों को। दे लिव्ड इन मगध एंड लेटर इन पुंड्रवर्धन नॉर्थ बंगाल इन द टाइम ऑफ अशोका। तो ये कहाँ रहते थे? निर्ग्रंथ लोग थे, ये मगध में रहते थे और बाद में ये पुंड्रवर्धन में चले गए, नॉर्थ बंगाल को पुंड्रवर्धन कहा गया है नॉर्थ बंगाल में। और ये किस टाइम में पुंड्रवर्धन में रहने लगे, जैन या निर्ग्रंथ लोग? तो ये टाइम ऑफ अशोक, अशोक के शासनकाल के समय। द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज इन्फेरियर टू दैट ऑफ मेन। तो जो महिलाओं की स्थिति थी वो पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी हीन थी, काफ़ी हीन भावना से उन्हें देखा जाता था, काफ़ी नीचा स्थिति थी महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा। देर वॉज अ ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ अ पोलीगामी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एज पैलेस गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स ऑफ किंग्स एंड स्पाइज एट्सेट्रा। तो एक तरह से बहुविवाह की प्रथा, महिलाओं को पैलेस गार्ड्स यानी कि राजशाही जो महल होते थे उनमें गार्ड्स के तौर पर नियुक्त करना, राजा के बॉडीगार्ड बनाना या जासूस के रूप में काम करवाना, तो ये सब महिलाओं से काम करवाए जाते थे। तो ये थी सामाजिक और धार्मिक स्थिति मौर्य काल के समय। इसके पहले हमने मौर्य काल के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में आगे जो टॉपिक है वो है मौर्यन आर्ट का, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है तो मेंस के लिए एक पूरे डिटेल में इस टॉपिक को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में वीडियो बनाया हुआ है मॉडर्न आर्ट पर। उसे आप मेरे चैनल से या अभी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे, मॉडर्न आर्ट वाले जो टॉपिक है इसे हम अलग से वीडियो जो मैंने बनाया है उसे आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर में बस इतना ही। अब अगला जो चैप्टर है वो है पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी, यानी कि उत्तर मौर्य काल के जो भी साम्राज्य हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो कि पांचवा चैप्टर होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।